कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इको गार्डन है, जहां पिछले 158 दिनों से शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी अध्यक्ष उमा देवी जी जो है वो इटावा के बाद मैनपुरी और आज हरदोई में एक बड़ी रैली कर रही हैं। उस रैली में हजारों लोग पहुँचे हुए हैं, ऐसा जो पीछे धरने की कमान देख रहे हैं शिक्षा मित्र प्रमोद मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया कि हरदोई जनपद में आज एक बहुत बड़ी रैली गौरी शंकर जी के सौजन्य से हो रही है, जिसमें हजारों शिक्षा मित्र पहुँचे हुए हैं और उमा देवी की आवाज़ को सुनने के लिए वो सब बेकरार हैं। और ये आप देख रहे हैं प्रमोद मणि त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने इस जानकारी को हमें दिया। तो अब हम लोग हरदोई चलेंगे और देखेंगे कि उमा देवी किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का जो टूटा हुआ हौसला है उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं और किस प्रकार से शिक्षा मित्रों की जो मौतें हो रही हैं उसको रोकने के लिए उमा देवी जी जिलेवार कार्यक्रम करते ही चली जा रही हैं। आवाज़ उठ के यहाँ तक आई और अनवरत धरना 18 मई से चल रहा है। उस धरने के कार्यक्रम में हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, जब स्वाधीन बहनों ने केस का परित्याग किया, 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ का परित्याग किया, अमरण अनशन भूख हड़ताल किया। मैं इन केस परित्याग के फलस्वरूप हमें हाई पावर कमेटी में बैठने का मौका मिला। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के सामने मैंने अपनी बात को रखी और अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग रखी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने शिक्षा मंत्री जी से और प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करूंगी कि आप हमें अनुसूची 9 में शामिल करके हमें कृतज्ञ करें, क्योंकि ये 172,000 परिवार आपके आशीर्वाद का आज भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। यदि आप हमारा सम्मान निभाएंगे तो मेरा पूरा परिवार आपका सम्मान जैसे पहले निभाया है, आपको पूर्ण बहुमत में लाया है, वैसे पुनः लाएगा, ये मेरा वादा। आज ये मेरे भाई बहन को मैं जगाने यहाँ आई हूँ इसलिए कि यदि हमारी मांग अनुसूची 9 की नहीं पूरी होती है तो आर पार की लड़ाई, दीपावली तक का हमें समय मिला था हाई पावर कमेटी में, उसके बाद की लड़ाई जारी होगी आर पार की। सर, आपके जिंदगी में पहली बार आया, रही तो मैं आपके साथ 17 साल पूरे, जैसे कुछ भाइयों के चेहरे पुराने ही है मेरे सामने बैठे हुए, चाहे वो आदर से रहे हो, चाहे गाजी से रहे हो, किसी परिवार से रहे हो, चेहरा अगर बखू भी किसी ने देखा तो दोनों ही मंच बदलते। लेकिन जिम्मेदारियां न निभा पाने के कारण जो बहने पीछे से एक संभल लेती थी, उन बहनों को आगे खुद आके कुर्बानी के लिए खड़ा होना। आइए जरा सब जोश में आइए, क्योंकि मैं जब प्रदेश में खड़ी होती हूँ तो मात्र दो ही नारे पे विकल्प रखती हूँ, एक गद्दारों पे, क्योंकि बहुत दर्द है। सब कड़वा सच अगर स्वीकार आप करिए या बोलने की सच ताकत रखिए तो वो दर्द सभी के अंदर है। आपके गमों का पहाड़ है, किस तरीके से मवाओं में घुसती हूँ मैं और आप सुन के एहसास करेंगे कि वाकई उसी को गार्डन में होता क्या था। कैसे बहुत गद्दारों ने एक एक भाषा शैली का प्रयोग किया कि होता क्या इको गार्डन में, तो मैं अपने भाषा शैली और मर्यादाओं में रहते हुए बताऊंगी कि उस इको गार्डन में हुआ क्या। जो तुमने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगी। आइए एक नारा दीजिए। पहले तो मैं नारी थी, नारी शक्ति पे पूरा विश्वास करता, लेकिन मैं वो नारा नहीं दूंगी क्योंकि आप भाइयों ने भी पूरे सैलाब बिखेर दिए हैं, आज बल्कि नारी शक्ति कम हो गई है। और जहां मैं खड़ी होती थी नारी शक्ति पूरी खड़ी होती थी, इसलिए नारी शक्ति का ही आह्वान था। लेकिन फिर भी एक आह्वान, शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, क्या पड़ा हो चक्कर में, क्या पड़ा हो चक्कर में, तख्त बदल दो, ताल बदल दो, तख्त बदल दो, ताल बदल दो, जो संघर्ष काल से ऐसे नहीं करेगी कि सामने वाले ने आपको कितना बेवकूफ बनाया। मैं भी बेवकूफ बनती तो शायद आपकी लड़ाई आप नहीं लड़ पाती, क्योंकि गद्दारों ने हर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मेरे साथ किया, यहाँ तक कि जो कहना नहीं चाहिए शब्द वो शब्द भी उन्होंने प्रयोग कर लिए। मैं कटी रही मैदान में, मैं ये कई चीज व्हाट्सएप पे लिखती थी या कहीं जवाब देती हूँ कि मुझे इको गार्डन से भेजा श्री लेके निकलने दीजिएगा। मैं एक एक का जवाब मेरे पास है और आप सब लिख तो भूल जाते होंगे, आपका लिखा हुआ मैं नहीं भूलती हूँ, मेरे एक एक यहाँ पे लिखा होता है, जितने निकलूंगी उसका जवाब दूंगी।
से मैं लड़ी हूँ आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से। महात्मा जी से लड़ना आसान नहीं था ये चीज आप मान लीजिएगा, लेकिन महात्मा जी दिल के बुरे नहीं है ये भी मैं कहूंगी। देखिए हम आप अपनी कुर्सी के लिए परेशान है, वैसे उनकी भी कुर्सी जैसे वो दिल्ली जाते हैं मारने डगमग होने लगती है। सच्चाई सुन लीजिएगा, मैं बखूबी बात करती हूँ तो उन भाई बताऊंगी कि जिस भाई में कहाँ परेशान है, लेकिन मैं मां उन्हीं से सकती हूँ, वो हमारे मुखिया थे, इसलिए मैं बार बार उनसे आवाज उठाती रही और उनसे बार बार एक ही चीज मैं कहती हूँ, यदि आप एक बार एक लाइन ईमानदारी से कह दें कि किसके कारण से ये हमारी कुर्सी छीन रही है, मैं उसके दरवाजे को न घेर लूं तो कहिएगा कि क्या ये बेटी कह रही थी। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अभी इस आश्वासन में थे कि हाई बार कमेटी का निर्णय आएगा और मैं सम्मान लौटाऊंगा, जिसकी उम्मीद 172,000 परिवार को है। आप सभी लोग इसी आशा और विश्वास में तो खड़े हैं कि हाँ मेरा सम्मान मुझे लौटे, मुझे मिले, जिस सम्मान के लिए आज इतने दिन से लड़ाई छिड़ी है। एक सबसे अहम मुद्दा बताऊंगी, इतने दिन की लड़ाई में आपने देखा कि जैसे ही दत्तारों की चंदे की दुकान बंद हुई वो ऐसे छटपटाए जैसे लगा उनके खुद की मौत हो गई, जबकि जो मौतें हुई उन मौतों के दरवाजे को गद्दार कभी पहुंचे नहीं। उठा के देखिए इतिहास, कभी झांकने नहीं गए कि जो हमें छोड़ के गए वो किसके सहारे छोड़ के गए। अरे कहते हमारे ही जो छोड़ के चले गए हमारे आपके कंधों पे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे देखना मेरे बाल बच्चों को मेरे परिवार को, क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन नहीं, उन्हें जिम्मेदारी मात्र एक चीज की है कि उनका पैसा शिक्षा मित्र देना न बंद करे, क्योंकि उमा देवी ने तो चलने की दुकान पहले नंबर पे बंद कराई, तो उमा देवी का जितना खराब कौन रहेगा? सरकार से तुम्हें जो मार कर रही है सरकार में झेल रही इको गार्डन में, वो तो आप लोग भी जानते हैं, प्रशासन अपने नियम का पालन करता है, मेरी बीजेपी गवर्नमेंट सुशासन चलाई ठीक, उस सुशासन में बहुत अनुशासन उनका प्रिय रहा और इको गार्डन से कोई वार उन्होंने छोड़ा नहीं। ठीक है, योद्धा लड़ता है मैदान में, दोनों पक्ष लड़ते हैं, दोनों पक्ष में जो हावी होता है, जो जीतता है वो मैदान में बैठा होता है, जो हारता है मैदान से बाहर जाता है। तो मैं एक लाइन में कहूंगी कि मैं एक बार थी कि मैंने सबको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आगे तक इसके आगे हमारा जो इतिहास शुरू होगा उस इतिहास में एक अहम कड़ी, एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम भूमिका आप लोगों की होगी, जिस भूमिका के लिए आपको लेने आपके दरवाजे तक मैं स्वयं आई। यदि आप लोग वहां आए होते तो आज ये टाइम मेरा वेस्ट ना होता, नुकसान ना होता, मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता, मैं वहीं से आवाज देती, आप धरातल पे खड़े होते वो बार मैं वहीं से करती। लेकिन मैंने 6 बार कार्यक्रम लगाए इको गार्डन में, जो जनसैलाब मुझे चाहिए था वो जनसैलाब निकला नहीं। आज सौभाग्य आप भाइयों का, जैसे राज्य कर्मचारी महासंघ का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला, ऐसे आपका आशीर्वाद पहले मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से मिला, फिर बताऊंगी आपकी हाई पावर कमेटी में मांगे योद्धाओं की।